आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार इंदौर नगर आगमन पर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उपस्थित हुए। एयरपोर्ट नगर निगम वार्ड क्रमांक 15 की सीमा में आता है, ऐसे में वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद भगवान सिंह चौहान ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ श्री सिंधिया की अगवानी की। श्री सिंधिया के आने पर सांवेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिखाई दिया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल की शाही सवारी में सम्मिलित होने के लिए उज्जैन के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 15 के सरपंच भगवान सिंह चौहान ने कहा कि सांवेर विधानसभा भाजपा का गढ़ है और वे पूर्व में जिले में पदाधिकारी रह चुके हैं, अतः सांवेर विधानसभा से उनका पुराना नाता है। चौहान ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो चुका है और तुलसी सिलावट भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। भ्रष्टाचारी और दोगली सरकार के विरुद्ध जनता की सेवा में जमीन पर उतर के कार्य करेंगे। इन सब ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेरे साथ ली और हमें पूरा विश्वास है कि इस त्रिमूर्ति के नेतृत्व में केवल भारत की प्रगति और विकास सुनिश्चित नहीं होगी लेकिन उसी के साथ भारत की संविधान, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा उनके हाथों में ही सुरक्षित है। क्रमांक 15 में जो कि एरोड्रम क्षेत्र लगता है, यहाँ पर आए हम सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत करा और वो सांवेर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आए हैं। पूरी ताकत से हम सांवेर विधानसभा चुनाव में लगेंगे और चुनाव में जीतेंगे। आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे सांवेर विधानसभा के? सांवेर से पूर्व का संबंध रहा, मैं जिला भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हूँ 16 साल, तो सांवेर विधानसभा में आना जाना रहा है, इसलिए सांवेर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और निश्चित रूप से भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे।